हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन अ वेरी एंड हार्टी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो आज की जो ये वीडियो है हमारी ये चैप्टर नंबर फोर है क्लास ट्वेल्थ के पॉलिटिकल साइंस का जो कि आपका सत्ता का वैकल्पिक केंद्र है इस चैप्टर के बहुत ही इजी नोट्स मैंने आपके लिए प्रोवाइड करवाए हैं ये नोट्स आपके एन सपोर्ट मटेरियल गूगल यूट्यूब जहाँ जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन लगी कि बेस्ट रहेगी आपके लिए मैं वहाँ से उसको ढूंढ आपके लिए ये नोट्स प्रिपेयर करें हैं सो आई होप कि आपको इस नोट्स में से ये चैप्टर बहुत ही ईजिली समझ में आ जाए एंड आई एम श्योर कि अगर आप इस चैप्टर को बहुत ईजीली इस वीडियो से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं इन चीज़ों को तो इस वीडियो के बाहर से कोई भी टॉपिक आपके पेपर में नहीं आने वाला तो ये वीडियो इनफ रहेगी आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर तो सबसे पहले हमारा इस चैप्टर में ये बताया है कि जो सोवियत संघ है उसके विघटन के बाद उभरने वाली सत्ता के दो वैकल्पिक केंद्र थे मतलब सोवियत संघ क्या थी ये आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा हुआ होगा तो जो सोवियत संघ का जब विघटन हुआ जब वो खत्म होने लगी तो उसके बाद उभर जो उभरने वाले सत्ता के दो केंद्र थे वैकल्पिक केंद्र होते हैं आपके ऑप्शन विकल्प होते हैं जैसे आपके ऑप्शन होते हैं ना ऐसे वैकल्पिक केंद्र थे जो इसके अलावा जो आपके दो विकल्प या ऑप्शनल स्टेट्स या कंट्रीज थी वो आपकी दो थी एक थी आपकी आसियान और एक थी आपके यूरोपीय संघ ये दोनों सोवियत संघ के विघटन के बाद उभरने लगी थी इसी में आपकी आती है मार्शल योजना मार्शल योजना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार क्वेश्चन पेपर में आया भी है कि मार्शल योजना क्या है मार्शल योजना पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है और मार्शल लॉ जो है वो आपका हिस्ट्री का टॉपिक है जो कि एक अलग चीज़ है और ये मार्शल योजना अलग चीज़ है तो दोनों में कन्फ्यूज़ मत होइएगा तो मार्शल योजना क्या थी दूसरे विश्व युद्ध में यूरोप बहुत प्रभावित हुआ और अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने में ज़बरदस्त मदद की इसे ही मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है मतलब जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो उस टाइम पर जो यूरोप था वो काफ़ी प्रभावित हो चुका था उसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी नीचे चली गई थी उसमें जो विकास की गति थी वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी थी तो यूरोप की अर्थव्यवस्था को अच्छा करने के लिए अमेरिका ने उसकी बहुत ज़्यादा मदद करी और इस मदद को उन्होंने क्या नाम दिया मार्शल योजना का नाम दिया तो ये बहुत ही ईजी थी आपकी और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी फिर कुछ ईयर्स हैं आपके जैसे कि जो आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए सारे ईयर आपको याद नहीं रखने हैं आपको मेन दो याद रखने एक यूरोपीय संघ कप बना और एक आसियान कप बना बाकी क्या, आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि कौन सा किस साल में बना था जैसे कि जो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन था वो आपका 1948 में बना था यूरोपीय परिषद जो था वो आपका 1949 में बना था जैसे कि आपको भारतीय परिषद है हमारा जिला परिषद है और बहुत सारे परिषद हैं ऐसे ही है आपका यूरोपीय परिषद जो है वो 1949 में बना यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी जो थी वो आपकी नाइनटीन में बनी थी यूरोपीय संघ जो था वो आपका नाइनटीन में बना था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है यूरोपीय संघ क्या था यूरोप का जो अपना एक संगठन था अपना जो एक ग्रुप था उसको हम यूरोपीय संघ कहते हैं हैं उसके बाद आपका आसियान जो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि आसियान क्या था आसियान का बनना कब स्टार्ट हुआ था वो 1967 में और लास्ट आपका आसियान क्षेत्रीय मंच था 1994 में आसियान अलग है आसियान क्षेत्रीय मंच अलग है दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होइएगा उसके बाद हमारा आता है यूरोपीय संघ कि यूरोपीय संघ क्या था यह संगठन अब आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक होता गया मतलब जब अमेरिका ने यूरोप की मदद करी तो उस टाइम पर वो एक तरीके से मदद थी पर बाद में क्या हुआ ये जो आर्थिक सहयोग वाली मदद थी ये इससे बदलकर राजनीतिक सत्ता बनने लगी मतलब अब कौन सी बात है जब अमेरिका बहुत पावरफुल था उसने यूरोप की मदद करी एक तरीके से तरस खा के मदद करी तो जब आ, कुछ सालों बाद क्या हुआ अमेरिका ने उसको धौस जमानी शुरू कर दी उस पर कब्जा करने की कोशिश करी तो उससे क्या हुआ कि वो आर्थिक सहयोग से बदल कर क्या बन गया वो राजनीतिक बदल गया विशाल राज्य राष्ट्र की तरह काम करने लगा मतलब बहुत बड़े राष्ट्र की तरह काम करने लगा इसके पास अपना झंडा राष्ट्रगान स्थापना दिवस मुद्रा थी मतलब जब तो यूरोपीय संघ ने अपने आप को विकसित करना शुरू करा अपने आप को एक बड़े से राज्य या राष्ट्र के तौर पर बनाना शुरू करा तो उसने क्या करा अपना एक झंडा अलग से बनाया जो जैसा कि आपको पता है कि यूरोप का झंडा कैसे है एक झंडा उसमें बारह सितारे आपके ऐसे ऐसे करके बारह सितारे आपके ग्रुप में लगे हुए हैं तो इसने क्या कर अपना झंडा बना लिया अपना एक राष्ट्रीय गान बना लिया और अपना स्थापना दिवस अपनी मुद्रा करेंसी जिसको आप कहते हैं सब कुछ इसने लागू करनी शुरू कर दी अपने देश में तो ये सब लागू करने का इसका उद्देश्य क्या था कि एक बड़े से राष्ट्र के रूप में बन जाए उसके बाद संविधान बनाने का प्रयास किया गया दो में पर ये जो सब प्रयास था ये सफल नहीं हो पाया और यूरोप का संविधान दो में नहीं बन पाया उसके बाद आपकी आती है यूरोपीय संघ की कुछ विशेषताएँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सबसे पहली विशेषता आपके यूरोपीय संघ की थी कि इसके पास एक जबरदस्त आर्थिक राजनीतिक और सैनिक प्रभाव था क्योंकि यूरोप की जो जो आबादी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी तो इसके पास सैनिक प्रभाव भी ज़्यादा था 2005 में दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ये बन गई 2005 में पाँच का जो आपका जनगणना हुई थी उसके हिसाब से जो यूरोपीय संघ था वो एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को विकसित कर चुका था इसका सकल घरेलू उत्पादक जो था वो आपका करीब बारह हज़ार अरब डॉलर से भी ज़्यादा था इसकी जो मुद्रा थी वो यूरो थी जो अमेरिकी डॉलर के लिए एक ख़तरा थी आपको पता यूरोप की मुद्रा क्या है यूरो विश्व व्यापार में तीन गुनी ज़्यादा हिस्सेदारी मतलब पूरा जो आपका विश्व का व्यापार है उसमें यूरोप की जो हिस्सेदारी है वो तीन गुनी से भी ज़्यादा है दो देशों की इसके जो यूरोप के जो दो देश हैं इनको वीटो पावर मिली हुई है एक फ्रांस और ब्रिटेन वीटो पावर क्या है उसको हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं तो बेसिकली जो यूरोप के जो दो देश थे फ्रांस और ब्रिटेन सिर्फ़ उन्हीं को वीटो पावर मिली हुई है सारे देशों को वीटो पावर नहीं मिली उसके बाद आता है आपका यूरोपीय संघ की कमियाँ कि जब इतने ज़्यादा इन इसने अपने आप को विकसित कर लिया इसने अपनी अर्थव्यवस्था स्थापित करी सैनिक प्रभाव था इसके पास अपने आप को एक विशाल राष्ट्र में बदल लिया और तीन गुनी ज़्यादा इसकी सकल घरेलू उत्पाद था इतना ज़्यादा उसके बाद भी इसमें क्या कमियाँ थी तो देखो अगर आप कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर लो कहीं ना कहीं कोई कमी आप में रह जाती है कोई भी चीज़ परफेक्ट आपकी नहीं होती है सेम चीज़ आपकी यूरोप के साथ थी कि इसने अपना इतना ज़्यादा विकास करा उसके बाद भी इसमें कुछ कमियाँ जो थी वो रह गई थी सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है मतलब जो भी यूरोप के सदस्य देश थे उनकी अपनी कुछ विदेश नीति थी और कुछ रक्षा नीति थी जो क्या होता था कई बार एक दूसरे के खिलाफ हो जाते थे इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ जैसे कि मान लो एक परिवार है परिवार में आपके दो लोग हैं ए और बी ठीक है ये आपस में एक साथ रहते हैं एक बीवी है एक पति है अगर ये बीवी और पति आपस में ही लड़ते रहेंगे तो क्या इनका घर चल जाएगा नहीं चलेगा ये घर नहीं बस पाएगा दोनों का तलाक हो जाएगा अगर दोनों ही साथ में मिलकर रहेंगे तो क्या होगा दोनों एक दूसरे बातचीत करेंगे सारे मसले के साथ सुलझाएँगे तो घर जो है वो चल जाएगा और आगे अपना विकास कर लेगा मतलब दो से तीन हो जाएंगे तो सेम चीज़ यहाँ पर यूरोप के साथ थी यूरोप की जो अपने ही देश थे अपने ही जो राज्य थे वो क्या करते थे उनकी अपनी विदेश और रक्षा नीति की वजह से आपस में लड़ते रहते थे एग्जाम्पल इराक पर अमेरिकी हमला जो इराक पर अमेरिका ने हमला करा था उसमें जो ब्रिटेन था वो इसके साथ था अमेरिका के और जो जर्मनी और फ्रांस था इसने अमेरिका का विरोध करा कि नहीं भाई जो तुम कर रहे हो वो गलत है तो इसमें क्या था बेसिकली जो यूरोप के अपने ही राज्य थे वो आपस में लड़ते रहते थे अपनी नीतियों की वजह से यूरो मुद्रा लागू करने का विरोध जो था वो भी यूरोपिय में यूरोपीय संघ में या यूरोप में काफ़ी प्रचलित था काफ़ी फेमस हुआ था कि जो यूरोप की मुद्रा थी आपको पता है यूरो है जो जब ये यूरो लागू होना शुरू हुआ था ये मुद्रा चलाई गई थी यूरोप में तो उस चीज़ का भी काफ़ी विरोध जो था वो यूरोप के अपने ही राज्यों द्वारा किया गया था उसके बाद आता है आपका डेनमार्क और स्वीडन ने एक मिस्ट्रेट जो मास्ट्रेट संधि थी उसको साइन करा था और यूरो को मानने से इनकार कर दिया था डेनमार्क और स्वीडन दोनों आपका यूरोप में ही है इसने एक मास्ट्रेट संधि जो थी वो साइन करी थी मास्ट्रेट संधि क्या थी वो संधि जिसके तहत यूरोप का निर्माण हुआ था तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मास्टर संधि आपको पता नीचे क्या है कि वो संधि जिसके तहत यूरोप का निर्माण हुआ था तो डेनमार्क और स्वीडन दो तो ऐसे देश थे यूरोप के जिन्होंने मानने से मना कर दिया कि हम इसको नहीं मानेंगे और यूरो जो थी जो मुद्रा थी यूरोप की उसको भी मानने से उन्होंने इनकार कर दिया था उसके बाद आता आपका आसियान आसियान जो था आपने आँ... आसियान आपको पता है कि नाइनटीन में बना था इसका जो निर्माण था वो नाइनटीन में हुआ था आज एशिया के देशों का संगठन है आपका आसियान मतलब जितने भी आपके एशिया के देश हैं उन सबको मिला के जो संगठन बनता है वो आपका आसियान कहलाता है इसका पूरा नाम है आपका दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन जो आपका दक्षिण पूर्वी जो भी आपके दक्षिण और पूर्व के एशिया के संग राष्ट्र हैं उन सबका ये संगठन है इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और उस टाइम पर इसके पांच देश इसमें शामिल हुए थे पांच देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर कर इसकी स्थापना करी थी बैंकॉक घोषणा पत्र जो था एक तरीके से आप कह सकते हो तो तो संधि थी एक तरीके से अग्रीमेंट था जो साइन कराया गया था जिसके बाद जो था आपका आसियान का निर्माण हुआ था अब पांच देश कौन कौन जिससे देश में इससे चलता आपका इंडोनेशिया आपका मलेशिया फिलीपींस सिंगापुर और थाईलैंड ये पांच देश जो थे वो हस्ताक्षर करने के टाइम पर या फिर निर्माण के समय पर शामिल थे बाद में इसमें पांच देश और इंक्लूड कर दिए गए जैसे आपकी ब्रूनाई दारुसलाम और ब्रूनाई दारुसलाम एक ही देश है आपका सॉरी वितिय नाम लाओस म्यांमार और कम्बोडिया ये पाँच देश जो थे वो आपकी बाद में इसमें और शामिल कर दिए गए तो टोटल तो, मिला के आपके जो आसियान है उसमें दस देश शामिल हैं उसके बाद आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है आसियान के उद्देश्य कि ये आसियान जो संगठन बनाया गया था दक्षिण और पूर्वी एशिया के लोगों का या फिर राष्ट्रों का वो क्यों बनाया गया था क्या उद्देश्य है देश के तो सबसे पहला उद्देश्य था आपका आर्थिक विकास को तेज़ करना मतलब जितने भी राष्ट्र जो हैं आसियान में उन सभी का जो आर्थिक विकास है उसको तेज़ करना मतलब किसी एक देश पर ध्यान नहीं देना है हमें सारे के सारे राष्ट्रों पर हमें ध्यान देना जितने भी उसमें शामिल हैं दूसरा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना मतलब अपने समाज का विकास करना और जो हर एक राष्ट्र है उसकी अपनी जो संस्कृति है उसका विकास करना तीसरा आपका आता है कानून और शासन को सुधारना मतलब जो भी कानून व्यवस्था एक राष्ट्र में है जो भी शासन व्यवस्था आपके राष्ट्र में है उसको सुधारना उसको और बेहतर करना और लास्ट आपका जो आप उद्देश्य है वो है संयुक्त राष्ट्र या युन, युना, फिर यूनाइटेड नेशन जिसको आप कहते हो उसके कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना मतलब जो आपका संयुक्त राष्ट्र ने जो कायदे का नियम कायदे कानून बनाए हुए हैं उनको बढ़ावा देना उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है आसियान शैली क्या है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कई बार सी ने पूछा हुआ है आपके एग्जाम में आसियान शैली शैली का मतलब होता है वर्किंग स्टाइल कि किस तरीके से जो आसियान था वो अपना कार्य जो था वो पूरा करता था या कैसे काम वो करता था जो आसियान था वो औपचारिक टकराव रहित सहयोगात्मक मेल मिलाप का एक नया उदाहरण पेश करने वाला आसियान जो था उसने काफ़ी नाम कमाया था मतलब काम किस तरीके से करता था वो औपचारिक तरीके से ऑफिशियल तरीके से टकराव रहित मतलब इस तरीके से काम करता था कि किसी भी राष्ट्र के बीच में टकराव ना हो सहयोगात्मक मतलब सहयोग के साथ आपस में मिलजुल कर काम करता था और मेल मिलाप का एक नया उदाहरण इसने लोगों के सामने पेश करा था कि किस तरीके से मेल मिलाप के साथ आप कोई भी राष्ट्र को विकसित कर सकते हो इसे आसियान शैली कहा गया तो ये आपकी आसियान शैली थी इस तरीके से ये काम करता था मतलब बिना किसी रुकावट के बिना किसी लड़ाई झगड़े के या बिना किसी प्रॉब्लम के अपने काम को ख़त्म कर देता था सबसे तेज़ रफ्तार से करने वाला संगठन था आपका अफकॉर्स ही बस जब आप मेल मिलाव से काम करते हो टकराव रहित काम करते हो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है सारे आपकी बात मान रहे हैं आप दूसरों की बात मान रहे हो तो काम जो होता है वो तेज़ रफ्तार से अपने आप ही होता है तो आसियान क्या था सबसे तेज़ रफ्तार से काम करने वाला संगठन था उसके बाद आते हैं आपके आसियान के तीन स्तंभ ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो आपका इस चैप्टर से काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है जो कई बार सी ने पूछा भी हुआ है कि आसियान्स के जो मेन स्तंभ हैं पे आसियान निर्भर करता है आसियान के एक तरीके से मेनली आपके तीन स्तंभ हैं स्तंभ क्या होता है पिलर्स मतलब किस पे आसियान अपना टिका हुआ है क्या उसकी बुनियाद है और अगर ये चीज़ ना हो तो आसियान काम नहीं कर पाएगा सबसे पहला जो स्तंभ है वो आपका है आसियान का सुरक्षा समुदाय कि आसियान का सुरक्षा समुदाय इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पावरफुल है जिसकी वजह से ये जो आसियान है इतना विकसित अपने आप को कर पाया है सदस्य देशों के विवादों को सुलझाने अहस्तक्षेप को बढ़ावा देना मतलब जो भी सदस्य देश आपके हैं उनके विवादों को सुलझाना और अहस्तक्षेप को बढ़ावा देना अहस्तक्षेप मतलब कि आप दूसरे के काम में कुछ दखलअंदाजी ना करो जो काम कर रहा है उसे करने दो अगर कोई मदद मांगता है तो ये आप उसको मदद दोगे अपने आप आप टांग अपनी नहीं अड़ाओगे एक तरीके से शासन का कहना ये था कि आप दूसरों के फटे में टांग ना अड़ाओ दूसरा आपका आसियान का स्तंभ है आसियान आर्थिक समुदाय मतलब आसियान का जो भी आर्थिक समुदाय था जो आर्थिक ग्रुप था वो उसका एक मेन स्तंभ था या फिर उसका स्ट्रेंथ था उसकी ताकत थी साझा बाजार तथा मुक्त व्यापार साझा बाजार होता है जब आप दूसरे के साथ मिलकर बाजार अपना बनाते हो दूसरा होता है आपका मुक्त बाजार मुक्त व्यापार मुक्त व्यापार क्या होता है कि जो भी आपके व्यापार के टाइम पे कर या फिर टैक्स लगाए जाते हैं उन सबको हटा देना और जो लाइसेंस वगैरह चाहिए होता है व्यापार के टाइम पर वो सब भी हटा देना तो वो होता है आपका मुक्त व्यापार तो आसियान ने क्या करा साझा बाजार खोले थे अपने देश में और मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया था और उसको बढ़ावा दिया था दूसरा इसने अपने आर्थिक विवाद का सुलझाना करा था सुलझाना ये कुछ थोड़ा सा गलत वर्ड हो गया है आर्थिक विवाद को उसने सुलझाया था मतलब जो भी इसके देश में अपने आर्थिक विवाद चल रहे थे इसने सबको सुलझा लिया था ताकि अपने देश को ये विकसित कर पाए सॉरी राष्ट्र को विकसित कर पाए उसके बाद आता है आपका लास्ट और तीसरा स्तंभ आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय मतलब आसियान का जो समाज था और जो उसकी संस्कृति थी आसियान ने क्या करा था अपने समाज को और अपनी संस्कृति को दोनों को ही दोनों के विकास को ही बढ़ावा दिया था कि इसका कहना था कि अगर हमारे देश की संस्कृति और हमारा समाज विकसित होएगा तो हमारा राष्ट्र अपने आप ही विकसित हो जाएगा और लास्ट टॉपिक आपका आता है आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि आसियान और आसियान क्षेत्रीय मंच दोनों अलग चीज़ हैं आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना जो थी वो आपकी नाइनटीन में हुई थी और इसके दो उद्देश्य थे मेन तरीके से पहला उद्देश्य था आपका आसियान देशों की सुरक्षा करना और दूसरा आसियान देशों को जो भी विदेश नीति थी, थी उसमें तालमेल बिठाना तो बेसिकली उद्देश्य आपका सेम ही रहेगा कि जो भी आपका जो भी आपके राष्ट्र शामिल हैं आपके आसियान में सबका विकास हो सके सबकी जो विदेश नीति थी उसमें तालमेल बनी रहे सबकी सुरक्षा बनी रहे तो इसी के साथ आज की वीडियो का ये लास्ट टॉपिक खत्म हो गया है जो भी आपके बाकी जो भी आपके बाकी के टॉपिक्स बच गए हैं उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी जल्दी शेयर कर लें Hope you like the video and do subscribe my YouTube channel.